Good morning everyone, namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas, okay? So close your eyes and start with me. Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, Tasme Shri Guruve Namaha. तस्मे श्री गुरुवे नमः. ओके, सो आफ्टर द श्लोकास वी आर गोइंग फॉर द सम लिटिल बिट एक्सरसाइज. ओके, सो देर इज द आई एक्सरसाइज एंड हैंड एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द आई एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रब योर हैंड्स लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रब योर हैंड्स फास्टली, देन आफ्टर यू हैव टू पुट योर फिंगर्स ऑन आईज. Okay, again you have to do this three times. Okay, so like this. Okay, so you have to do three times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस. सो चैप्टर नंबर 20, काउंटिंग ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स. सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रायंगल्स को काउंट किया था. ओके, सो हमें किस तरह से ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हमें राइट डाउन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डन कर दी थी. ओके, सो आप यहाँ पे सारी एक्सरसाइज देख सकते हो और आई होप कि आप सभी ने ये कंप्लीट भी कर ली होगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग फॉर द स्क्वायर्स. ओके, सो आपको स्क्वायर के बारे में तो पता होगा. ओके, स्क्वायर किस तरह का होता है. ओके, सो स्क्वायर की यहाँ पे फोर साइड होती है एंड ऑल साइड आर इक्वल. ओके, ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. तो ये हमारा एक स्क्वायर है. ओके, ये हमारा एक स्क्वायर है. अगर स्क्वायर को आप इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, या किसी भी तरह से देखो, तो ये स्क्वायर ही है. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ये छोटा बड़ा हो सकता है. ओके, मैं एक और यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है. सो जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी साइड होती है वो इक्वल होती है. एवरी साइड्स आर इक्वल. ओके, इस तरफ की साइड, इस तरफ की साइड, इस तरफ की साइड और इस तरफ की साइड. तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, सेम साइज होती है. ओके, देन आफ्टर रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हमें यहाँ पे रेक्टेंगल को तो शो नहीं करना है, बट आपको रेक्टेंगल के बारे में भी पता होना चाहिए. ओके, सो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है, ये साइड और ये साइड, वो इक्वल होती है. ओके, ये साइड और ये साइड दोनों ऑपोजिट साइड है, तो ये इक्वल है. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है. बट स्क्वायर के अंदर ऐसा नहीं होता. स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ आपको इजीली आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज दैट काउंट द स्क्वायर्स. काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इट इन द बॉक्स. हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर हमें यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं ये लिखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने स्क्वायर हैं. जनरली हमें यहाँ पे फर्स्ट वन, ये बिग वन, ये हमें फर्स्ट स्क्वायर दिख रहा है. उसके अंदर यहाँ पे हमें सेकेंड स्क्वायर भी दिख रहा है. तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई स्क्वायर है?
आई थिंक यहाँ पे नहीं है। ओके आपको क्या लगता है, यहाँ पे और कोई स्क्वायर है? नहीं है। ओके यहाँ पे टू स्क्वायर्स हैं ओनली। ओके ये फर्स्ट बिगर वन एंड उसके अंदर ये दूसरा वाला है, वो ये जो आपको बन रहा है ये स्क्वायर नहीं है बिकॉज उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है। सो देयर इज ओनली टू स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा ग्रेटर वन, जो हमें यहाँ पे बिगर वन दिख रहा है। ओके देन आफ्टर यहाँ पे ये आपको ये जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये। ओके और यहाँ पे दूसरा वाला ये, आपको इस तरह से ड्राइंग नहीं करनी है, मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे बिगर वन, देन आफ्टर ये और ये, तो यहाँ पे हमें तीन स्क्वायर दिख रहे हैं। ओके उसके सिवा आपको कोई स्क्वायर दिख रहा है? सो यहाँ पे नो। ओके सो यहाँ पे हमारे पास तीन स्क्वायर है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था। ओके उसकी ये जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो, और स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल होती है। ओके सो वन टू एंड थ्री, सो देयर इज अ थ्री स्क्वायर। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर वन, सो आपको ये बिगर वन दिख रहा है ये, देन आफ्टर ये सेकेंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री स्क्वायर है, वन टू और ये बिगर वन, सो देयर इज अ थ्री। ओके ओके देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर, ओके सो यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? सो देयर इज अ वन, देन आफ्टर ये टू, देन आफ्टर ये थ्री और ये फोर। ओके मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए शेडेड कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, तो उसके सिवा यहाँ पे कोई भी स्क्वायर क्रिएट नहीं हो रहा। ओके अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये एक और स्क्वायर बन जाता, बट यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर स्क्वायर क्रिएट हो रहे हैं, सो देयर इज फोर स्क्वायर्स। ओके देन आफ्टर नेक्स्ट, ओके सो देयर इज अ वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पे मोस्टली फाइव स्क्वायर हमें दिख रहे हैं। ओके सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव, आपको इस तरह से लिखना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। ओके सो देयर इज अ फाइव स्क्वायर्स। देन आफ्टर नेक्स्ट, सो देयर इज अ वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ पे हमारे पास फोर स्क्वायर्स हैं, इसके सिवा आपको कोई और दिख रहा है? चलो सोचो आप सब लोग कि आपको ये फोर स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। ओके सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक और स्क्वायर है, जो कि हमारा बाहर से आपको ये दिख रहा है। ओके वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ वन आउटसाइडेड। ओके सो देयर इज अ टोटल फाइव स्क्वायर्स। ओके वन टू थ्री फोर और ये हमारा आउटसाइड जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये फिफ्थ वन। ओके सो देयर इज अ फाइव स्क्वायर्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेवन, ओके सो देयर इज अ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जनरली हमें यहाँ पे सिक्स स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये सिक्स स्क्वायर के सिवा आपको और कोई स्क्वायर दिख रहा है?
नहीं, तो यहाँ पे और कोई भी स्क्वायर क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके सो यहाँ पे आंसर होगा 6। ओके देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो देर इज अ 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्क्वायर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके सिवा और कोई स्क्वायर है? यस। सो यहाँ पे एक और स्क्वायर है ये वाला। ओके तो ये हमारा 6th वन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्क्वायर्स अवेलेबल है। ओके देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। सो देर इज अ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्क्वायर्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ये है, आप देख सकते हो, तो ये 7th वन। ओके सो देर इज अ टोटल 7 स्क्वायर्स। यहाँ पे ये जो नंबर्स मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको बुक के अंदर नहीं लिखना है। ओके देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10। देर इज अ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जनरली यहाँ पे हमें 6 स्क्वायर दिख रहे हैं। ओके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन आफ्टर यहाँ पे हमें ये वाला, ये 7th वन। यहाँ पे हमें 7th वन भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे उसके सिवा और कोई हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा। ओके सो देर इज अ 7 स्क्वायर्स। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 स्क्वायर्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11। सो देर इज अ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन आफ्टर हमें ये स्क्वायर देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो ये 7th वन और उसके बाजू में यहाँ पे इस तरह से 8th वन। तो हमें यहाँ पे टोटल 8 स्क्वायर देखने को मिलेंगे। ओके देर इज अ 8 स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो मैं आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्क्वायर्स। ओके सो यहाँ पे 6 स्क्वायर तो है, बट यहाँ पे दो और स्क्वायर भी क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शेडेड पार्ट्स करके आपको दिखा देता हूँ। ओके ये शेडेड पार्ट मैंने रेड कलर का कर दिया है, तो ये जो है वो एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ किया हुआ है। ओके देन आफ्टर मैं ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे दूसरा पार्ट्स ड्रॉ कर देता हूँ। ओके ये जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे दो स्क्वायर और क्रिएट हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे हमें उसी तरह से ये स्क्वायर्स कंडक्ट करने हैं। ओके ओके देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12। ओके सो देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12। सो देर इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 स्क्वायर्स। ओके तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर्स तो है। देन आफ्टर जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2 स्क्वायर्स यहाँ से फाइंड आउट किए थे, उसी तरह से 1st स्क्वायर, देन आफ्टर 2nd स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें दो और स्क्वायर यहाँ पे मिल चुके हैं। सो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ओके सो देर इज अ 9 स्क्वायर्स। ओके सो ये हमारे सारे आंसर्स है। ओके